हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग एंड एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं। साथ ही साथ सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का रहता है, ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम इनकी गुरु फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी थिक फिंगर हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है जिनकी सभी फिंगर्स थिक हों। गुरु फिंगर का थिक और अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं। इन लोगों की यह फिंगर स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में, काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है, ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर की अगर हम लंबाई की ही बात करें तो आप देख पाएंगे यह फिंगर लंबाई में इनकी गुरु फिंगर के इक्वल है, अच्छी लेंथ है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में जीवन में कामयाब रहते हैं। क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की होती है जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति का बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर हल्की सी लो सेट है। फिंगर्स के नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर, इनकी गुरु फिंगर, तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होकर हाई सेट हैं, जबकि मर्करी फिंगर यहाँ पर नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ा शाई टाइप का स्वभाव देता है, थोड़ी हेजिटेशन भरी नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है, जबकि इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, आप देख सकते हैं यह फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई
नजर आ रही हैं। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग होगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी मरकरी फिंगर लंबी होती है, इनकी पूर्वा अनुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है, काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट अगर किसी व्यक्ति का उभरा हुआ हो तो यह उस व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है, ज्ञानवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर का होता है, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपने नॉलेज के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन कमा पाता है। ऐसे व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाते हैं। जिनका गुरु पर्वत उभरा हुआ हो, मिडिल एज के बाद किसी न किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़कर सोशल वर्क जैसे काम करने की रुचि भी आपको ऐसे व्यक्ति के भीतर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस आपको ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। यह जीवन रेखा है, जीवन रेखा से अगर इस तरह की ब्रांचेस उठकर गुरु पर्वत की तरफ जाएं तो इन ब्रांचेस को बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी ब्रांचेस होने की वजह से व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाता है। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम पामिस्ट्री में दिया गया है। अंगूठे के ऊपर इनके बहुत अच्छा यव का साइन बन रहा है। यह जो एक आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी, इसी को यव का चिन्ह कहा जाता है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह से। यह जो एक शेप बनती है, इसी शेप को बुद्धाजाई या फिर फिनिक्स आई या फिर यव कहा जाता है। अंगूठे के ऊपर ऐसा चिन्ह बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वा आभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें तो हल्का सा दबा हुआ यह एरिया आपको नजर आएगा। शनि पर्वत का दबना अच्छा नहीं होता। जिन लोगों का शनि पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआत में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करनी पड़ती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में आपको इनकी मस्तिष्क रेखा के ऊपर, यह जो रेखा है मस्तिष्क रेखा है, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी भाग्य रेखा नजर आएगी। उससे पहले यह रेखा बहुत हल्की है या डिसअपीयर्ड है, जिस वजह से यंग एज में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन 36 की एज के बाद यह रेखा काफ़ी प्रोमिनेंट है। ऐसे व्यक्ति 36 वर्ष की एज के बाद जीवन में तरक्की करने लगते हैं और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है इनकी तरक्की भी और बेहतर होती है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में 36 की एज के बाद काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो हल्का सा फ्लैट सूर्य माउंट और यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं नजर आ रही हैं। सूर्य माउंट का फ्लैट होना या दबा हुआ होना जीवन में से यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत इस तरह से फ्लैट हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहाँ पर एक से अधिक रेखाओं का होना व्यक्ति को मल्टीटास्किंग बनाता है। ऐसा व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक काम करने की क्षमता रखता है। सूर्य पर्वत पर लंबी रेखा मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान, बहुत अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाता है।
अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की, तो आप यहां पर देख पाएंगे इनका जो मरकरी माउंट का एरिया है हल्का सा लो सेट है, लेकिन उभरा हुआ मरकरी माउंट, और यहां पर एक हल्की रेखा आपको नजर आएगी जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है। इनका यह एरिया उठा हुआ हो, हाथ में मरकरी लाइन मौजूद हो, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अगर किसी जॉब में जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पा लेता है, लेकिन अगर खुद का कुछ काम करता है, कुछ ट्रेडिंग या बिजनेस करता है, तो वहाँ पर और भी अच्छी तरक्की मिलने के योग मरकरी रेखा की वजह से और मरकरी माउंट के स्ट्रांग होने की वजह से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी कर्व्ड फॉर्मेशन में, यहाँ से एक ब्रांच निकलकर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई। इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल कहा जाता है। हाथ में अगर बाइफोक्ड हार्ट लाइन हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर धन कमाए तभी तरक्की मिल पाती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए, धोखाधड़ी के जरिए किसी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह का साइन बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही धन कमाएं, ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। ओवरऑल काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, केयरिंग नेचर रहती है। यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर बहुत अच्छा एम का सिंबल बनता हुआ आप देख सकते हैं। यह इनकी हार्ट लाइन है, यह इनकी भाग्य रेखा, यह इनकी मस्तिष्क रेखा और यह इनकी जीवन रेखा। इन रेखाओं के मिलने से यह जो एम का सिंबल बनता है, इस चिन्ह को पामिस्ट्री में बहुत भाग्यशाली माना जाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा एम का सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति खुद के लिए लकी होते हैं, लेकिन औरों के लिए, जो भी इनके साथ जुड़ता है, उनके लिए और भी अधिक लकी होते हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति के जो फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, जो इनका पार्टनर है, वो सभी इनकी वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें, आप देखेंगे लंबी माइंड लाइन है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव इस रेखा में आपको नजर आएगा। इस तरह से झुकी हुई मस्तिष्क रेखा का होना व्यक्ति को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या देता है। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कल्पनाएं करने वाले, थोड़ी ओवर थिंकिंग रहती है, थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल माइंड लाइन बहुत लंबी है, जिस वजह से इनकी मेमोरी अच्छी रहेगी, इनका लॉजिक और भी अधिक बेहतर होता है, मेंटल एबिलिटीज ऐसे व्यक्ति की स्ट्रांग होती हैं। अगर इनकी जीवन रेखा को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की जो एज है लगभग 75 के आसपास तक रहेगी। एक लंबी लाइफ को एंजॉय कर पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब होता है। जीवन रेखा के अंत में आपको इस एरिया में एक फिश नुमा आकृति बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह की रेखाओं से यह जो चिन्ह बनता है, इसी को केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। ऐसी रेखाएं यहाँ पर होने से व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस के माध्यम से जीवन में धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी जीवन में एक से अधिक बार मिलते देखे जा सकते हैं। अगर हम इनकी इनके शुक्र यानी वीनस माउंट की बात करें, तो आप देख सकते हैं वीनस का जो एरिया है यहाँ पर उठा हुआ है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो इसे काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है।
लेकिन यहां पर इस तरह की रेखाओं का होना रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और कई बार ऐसे व्यक्ति की फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंस इन रेखाओं की वजह से देखने को मिलती है। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो चंद्र का एरिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर भी मौजूद हैं जिनकी वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं रहेंगी, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर मून माउंट से नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।